बात करने वाली हैं, ऐसी कौन सी दो एक्सरसाइजेज जो आपको फोरआर्म्स के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जब भी देखते होंगे जिम में जो भी बंदा फोरआर्म्स के लिए एक्सरसाइज करता है वो यही दो एक्सरसाइज करता है जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको नहीं करनी है। ऑल्सो स्टूडियो में ये भी बताऊंगा कि इन दो एक्सरसाइज को छोड़ के इससे ज्यादा इफेक्टिव एंड अच्छे एक्सरसाइज क्या है फोरआर्म्स के लिए। ठीक है, जब भी आप जिम जाते हैं देखते हैं लोग फोरआर्म की एक्सरसाइज करते हो, तो एक लौती एक्सरसाइज करते हैं इसको लोग कहते हैं रिस्ट कर्ल्स। ये डंबल से भी लोग करते हैं, लोग बारबेल से भी करते हैं। ऑल्सो इसमें एक और मूवमेंट होता है, इसमें हम लोग बारबेल या डंबल को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज भी लोग करते नहीं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो यही दो एक्सरसाइज जो आपको नहीं करनी है, बिकॉज जब भी आप देखोगे लोग फोरआर्म के लिए यही दो एक्सरसाइज ट्रेन कर रहे होते हैं, बट ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है फोरआर्म के लिए। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं क्वाड्स या फिर लेग्स की बात करूँ तो एवरीवन नोस कि भाई स्क्वाट सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, बट ये कोई नहीं कह रहा कि भाई लेग एक्सटेंशन भी अच्छी है, सब लोग लेग एक्सटेंशन करो, लेग एक्सटेंशन इज़ द बेस्ट, बिकॉज एवरीवन नोस स्क्वाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताई रिस्ट कर्ल्स एंड रिस्ट एक्सटेंशन, ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है फोरआर्म्स के लिए। जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फोरआर्म्स के लिए है वो है हम लोग को जस्ट लाइक ये हम लोग की बारबेल है, हम लोग को सुपिनेटर ग्रिप लेके इसको इनवर्ड रोटेट करना है जस्ट लाइक दिस। तो भाई अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका एक ही सेट में फोरआर्म्स इतना पंप हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, आपको बर्न समझ में आएगा। तो भाई जब आप सुपिनेटर ग्रिप लेके, सुपिनेटर मीन्स पाम फेसिंग अपवर्ड लेके इनवर्ड रोटेशन करते हो, तो ये हम लोग की फ्लेक्सर मसल होती है, ये रिक्रूट होती है एट मैक्स। सेम वे इसी में दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको अगेन बारबेल लेनी है, इस बार हम लोग को प्रोनेटेड ग्रिप लेनी है, मीन्स पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड अगेन आपको इनवर्ड रोटेट करना है। एंड जब आप प्रोनेटेड ग्रिप लेते हो विच मीन्स पाम फेसिंग डाउनवर्ड, तो ये हम लोग की एक्सटेंशन मसल जो इस तरफ होती है वो सारी एक्टिवेट एंड रिक्रूट होती है एट द मैक्स। तो भाई ये दो एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई, मेक श्योर करिएगा जब भी आपका फोरआर्म का वर्कआउट हो मेक श्योर यू इंक्लूड दिस एक्सरसाइज एज वेल। एंड ऑल्सो मैंने जो दो पहले एक्सरसाइज बताई थी रिस्ट कर्ल एंड रिस्ट एक्सटेंशन, उसको मत इंक्लूड करिएगा बिकॉज दोस आर दी नॉट बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फोरआर्म्स। जो दो एक्सरसाइज मैंने आपको फोरआर्म के लिए बताई उसे सुपर सेट में इंक्लूड करिएगा, यू कैन फील द पंप, यू विल फील द फायर। समय जाते हैं तो एक बोनस एक्सरसाइज आपको बताता जा रहा हूँ, जस्ट लाइक आपको करना क्या है, आपको फोरआर्म को ऐसे फ्लेक्स करना है, आपको उंगली निकालनी एंड जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना है, तो आप सब्सक्राइब भी हो जाएगा ना, आप फोरआर्म का फ्लेक्शन भी देख लोगे। सो दैट वाज द बोनस टिप। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर शेयर विद योर फ्रेंड जो भाई जिनके फोरआर्म्स वीक है या फिर अपने फोरआर्म्स लोग ग्रो करना चाहते हैं वो। ऑल्सो भाई अगर कुछ भी सजेशन या रिकमेंडेशन करना चाहते हैं कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो भाई अगर मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एक ही अकाउंट है ऑफिशियल वर्कआउट इंडिया। एंड भाई आज मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 22 लाइक्स, तो भाई कर देना। एंड एट लास्ट भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे चलेगा भाई, आपको ऑल यू नीड टू डू दिस एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल। आज के लिए इतना ही, आई हर्ट योर से साइनिंग ऑफ।